विधानसभा में सोशल सिक्योरिटी को लेकर पारित किया गया विधेयक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी देने वाला बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा को किया बर्खास्त। विधानसभा में महिला अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था गुड़ा ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, गहलोत सरकार में सच बोलना है मना। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मंत्री राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्ती पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने की प्रेस वार्ता। विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कामिनी गुर्जर, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बच्चू सिंह बैंसला सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं ऑल राजस्थान अग्रवाल समाज सेवा समिति के तत्वावधान में 23 जुलाई को जयपुर में होगा विराट अग्र महासभा का आयोजन। प्रदेश के समस्त जिलों में समाज के लोग लेंगे भाग। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने ली 11 जिलों के फीडर इंचार्जों की बैठक। बिजली के बिलों का समय पर वितरण करने के दिए निर्देश। जोधपुर में सड़क सुरक्षा समिति की ओर से की गई अनूठी पहल। क्राउन फॉर किड्स, 25 बच्चों को हेलमेट वितरित कर दिया जागरूकता का संदेश। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने कहा, चित्तौड़गढ़ को बाल श्रम, बाल विवाह और बाल भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए किए जाएंगे प्रयास। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर राजधानी जयपुर में ट्रस्ट ऑफ पीपल और आईपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में सेमिनार का किया गया आयोजन। राजधानी जयपुर में एम्बुलेंस 108 के कार्यालय में आग लगने से रिकॉर्ड जलकर हुआ नष्ट। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इकॉन 2023 सम्मेलन में की शिरकत। मिर्गी रोग को लेकर समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने पर दिया बल। हनुमानगढ़ में मनरेगा श्रमिकों के लिए बाढ़ के हालात में बड़े मदद के हाथ। विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रशासन के द्वारा मनरेगा श्रमिकों की करी जा रही है मदद। दौसा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खिलते नजर आए लोगों के चेहरे। मेरी पुलिस मेरा अभिमान अभियान के तहत दौसा पुलिस ने 75 लाख रुपए के 489 मोबाइल किए ट्रेस। राज्य के राजकीय पुस्तकालयों में सलुम्बर जिला पुस्तकालय मॉडल होगा लागू। अवकाश के दिन भी पुस्तकालय विद्यार्थियों की कमेटी के माध्यम से होगा संचालन।